नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि एवं कहानीकार सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित एक फूल की चाह कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि एवं कहानीकार सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह कविता का मूल भाव तथा उद्देश्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह एक लंबी कविता है, अतः इस वीडियो में इस कविता का सस्वर वाचन प्रस्तुत नहीं करता हूं। तो आइए, सबसे पहले मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि एवं कहानीकार सियाराम शरण गुप्त जी का सामान्य साहित्यिक परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। इसके बाद मैं उनके द्वारा रचित एक फूल की चाह कविता का मूल भाव तथा उद्देश्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देकर सुनिए। सियाराम शरण गुप्त जी का सामान्य परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के लोकप्रिय कवियों में श्री सियाराम शरण गुप्त जी का प्रमुख स्थान है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। इनका जन्म सन 1895 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान में हुआ था। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती तथा बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा कस्तूरबा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थे। यही नहीं, ये आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा संत विनोबा भावे जी के संपर्क में भी आए। इनकी पत्नी तथा पुत्रों का निधन असमय ही हो गया था, अतः वे दुख, वेदना और करुणा के कवि बन गए। सन 1914 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली रचना मौर्य विजय लिखी। इनकी प्रथम कविता इंदु में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर करारी चोट की है। इनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, करुणा, विश्व बंधुत्व तथा गांधीवादी विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। इन्होंने कथात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताओं का प्रणयन किया है। इन्होंने लंबे वर्षों तक साहित्य की सेवा की है। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है। प्रमुख रचनाएं काव्य खंड मौर्य विजय, अनाथ, आद्रा, विषाद, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृणमयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी, नकुल, सुनंदा और गोपिका आदि इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। इन्होंने काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचनाएं भी की है, जो इस प्रकार है। कहानी संग्रह मानुषी, नाटक पुण्य पर्व, अनुवाद गीता संवाद,
नाट्य उन्मुक्त गीत कविता संग्रह अनुरूपा तथा अमृत पुत्र काव्य ग्रंथ दैनिकी नकुल नुआखली में जय हिंद पाथेय मृणमयी तथा आत्मोत्सर्ग उपन्यास अंतिम आकांक्षा तथा नारी और गोद निबंध संग्रह झूठा सच पद्मानुवाद ईशोपनिषद धम्मपद और भगवत गीता। सियाराम सेनगुप्त जी की भाषा अत्यंत सरल और सरस है। जीवन के प्रति करुणा का भाव इनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। सम्मान, इन्होंने दीर्घकालीन साहित्य की सेवा की, इसीलिए इन्हें साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 ईस्वी में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। 1941 ईस्वी में उन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक प्रदान किया गया। हिंदी के ऐसे महान कवि का सन 1963 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के महान कवि एवं कहानीकार सियाराम सेनगुप्त जी का सामान्य परिचय देने के बाद उनके द्वारा रचित एक फूल की चाह कविता का मूल भाव आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। ध्यान देकर सुनिएगा। आधुनिक काल के लोकप्रिय कवियों में श्री सियाराम सेनगुप्त जी अग्रगण्य हैं। ये राष्ट्रकवि मैत्री सेनगुप्त जी के छोटे भाई हैं। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जहां एक ओर सामाजिक बुराइयों तथा रूढ़ियों पर करारी चोट की है, वहीं दूसरी ओर इनकी रचनाओं में सत्य अहिंसा करुणा विश्व बंधुत्व तथा गांधीवादी विचारधारा की छाप स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। सरल शब्दों में वे गंभीर भावों को व्यक्त करने में काफी प्रवीण रहे हैं। एक फूल की चाह इनकी एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी एक मर्मस्पर्शी तथा दिल को छू लेने वाली कविता है। यही नहीं, यह इनकी एक बहुत ही लंबी कविता है। दरअसल यह कविता कविता न होकर छुआछूत की समस्या पर आधारित एक करुण कहानी है। एक समय की बात है, एक बार महामारी के दौरान सुखिया नाम की एक अछूत बालिका महामारी के चपेट में आ जाती है। एक दिन वह अपने पिता से कहती है कि यदि उसे देवी माता के चरणों में अर्पित किया गया एक फूल लाकर दे दे तो वह अच्छी हो जाएगी। परंतु अछूत होने के कारण उसका पिता अपनी मरणासन्न बेटी की अंतिम इच्छा को पूरी नहीं कर पाता है। कारण, मंदिर में प्रवेश करने के बाद देवी माता का प्रसाद लेने वक्त वह पकड़ा जाता है। मंदिर में
प्रवेश करने तथा मंदिर को अपवित्र करने के अपराध में उसे 7 दिनों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है, जिसके कारण उसकी बेटी देवी माता के चरणों में अर्पित किया गया एक फूल को प्राप्त नहीं कर पाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी मार्मिक प्रसंग को उठाकर कवि ने पाठकों को यह संदेश दिया है कि छुआछूत की कुप्रथा मानव जाति पर एक कलंक है, यह मानवता के प्रति एक अपराध है। एक समय की बात है, भीषण महामारी फैलने के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे समय में सुखिया नाम की एक गरीब बालिका के पिता को भय था कि कहीं उसकी फूल सी नन्ही सी बेटी भी उस महामारी की चपेट में न आ जाए, कारण कितने ही लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। सभी लोग दुख के कारण बेचैन थे, कितने ही लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। सुखिया का पिता अपनी बेटी यानी सुखिया को बहुत रोकता था कि वह कहीं बाहर खेलने न जाए, घर में ही रहकर खेले, घर में चुपचाप बैठी रहे। दरअसल वह उसे इस महामारी से बचाना चाहता था, परंतु स्वभाव से चंचल और नटखट लड़की एक दिन खेलने के लिए घर से बाहर निकली और उसके पिता को जो भय था वह सच्चाई में बदल गया। उसका नन्हा शरीर ज्वर से पीड़ित हो गया, उसका गला सूखने लगा, धीरे धीरे उसका शरीर शिथिल हो गया और वह बिस्तर पर लेट गई। एक दिन वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, मुझे देवी माँ के मंदिर का प्रसाद का एक फूल ला कर दो, शायद मैं अच्छी हो जाऊंगी। कवि के शब्दों में ज्वर से विह्वल हो बोली वह, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का फूल ही दो लाकर। कुछ देर तक सुखिया का पिता सिर झुकाए बैठा रहा, वह जानता था कि वह एक अछूत है, अतः उसे मंदिर में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। मरणासन्न बेटी को बचाने के लिए भी उसे मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए वह सिर नीचा करके काफी देर तक बैठा रहा और उसे बचाने के अन्य तरह के उपाय खोजता रहा। इसी उधेड़ बुन में कब सुबह से लेकर दोपहर और शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। वह बहुत निराश था, आंखों के आगे चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया था। उसे लगा मानो यह काली रात उसकी बेटी को निगलने आई है। सुखिया का शरीर ज्वर के कारण झुलसने लगा था। कवि के शब्दों में जान सका न प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा,
कब आई संध्या गहरी। अंत में सुखिया के पिता ने अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए मंदिर में जाने का निश्चय कर लिया। मंदिर एक पहाड़ी पर था। वह मंदिर में पहुंचा। मंदिर के अंदर उत्सव चल रहा था। मंदिर में भक्तजन जोर जोर से पतित तारिणी पाप हारिणी की जय जयकार कर रहे थे। वह भी भक्तों की भीड़ में खड़ा हो गया। उसने पुजारी को दीप और फूल दिए। पुजारी ने दोनों हाथों से उसे पूजा के प्रसाद दिए। प्रसाद को पाकर वह खुशी से फूला न समाया। एक पल के लिए तो वह ठिठक गया। कारण उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह मंदिर में प्रवेश कर चुका है और वह अपने मकसद में सफल हो चुका है। उसे लगा मानो सुखिया को इससे नया जीवन मिल जाएगा। अतः वह इसी उत्साह में पुजारी से देवी माता के चरणों का एक फूल लेना तो भूल ही गया। उसने मन ही मन सोचा कि अब मैं अपनी बेटी को देवी माता के चरणों का एक पवित्र फूल दूंगा, जिससे वह अच्छी हो जाएगी। फिर उसने देवी माता के चरणों के फूल भी लिए। कवि के शब्दों में, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। तभी पुजारी ने उसे पहचान लिया। उसने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, देखो यह अछूत कैसे मंदिर में प्रवेश कर गया है, इसे पकड़ो, देखो भागने ना पाए। तभी वहां उपस्थित भक्तों ने सुखिया के पिता को घेर कर पकड़ लिया। वे उस पर आरोप लगाने लगे और कहने लगे कि यह तो धूर्त है, यह साफ सुथरे कपड़े पहनकर हम लोगों को धोखा देना चाहता है। इस अछूत ने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है, इसे पकड़ो, इसे मारो, देखो भाग ना पाए। कवि के शब्दों में, पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। सुखिया के पिता ने उनसे पूछा, क्या मेरा कलुष उस देवी की महिमा से भी अधिक बड़ा है? मैं माता की महिमा के आगे कहाँ ठहर सकता हूँ? परंतु भक्तों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उसे
लात घूसों से मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। उसके हाथों का प्रसाद व फूल भी धरती पर बिखर गया। इसके बाद वे भक्तगण सुखिया के पिता को पकड़कर न्यायालय में ले गए। न्यायालय ने उसे 7 दिन की सजा सुनाई। उस पर यह आरोप लगा था कि उसने मंदिर में प्रवेश कर मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। सुखिया के पिता ने मौन होकर इस दंड को स्वीकार कर लिया। 7 दिनों के लिए कारागार में चला गया। ये 7 दिन उसके लिए सैकड़ों वर्षों के समान व्यतीत हुए। उसकी आंखें निरंतर बहती रही, फिर भी दुख कम नहीं हुआ। कवि के शब्दों में, 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती अविश्रांत, वर्षा के भी आंखें तनिक नहीं रीती। जब 7 रोज बीत गए, तब सुखिया का पिता जेल से छूटा। वह मरे हुए मन से किसी तरह घर की ओर चला। जब वह घर पहुंचा, तब उसे पता चला कि सुखिया तो मर चुकी है। वह सीधे शमशान की ओर भागा, परंतु वहां सुखिया की चिता ठंडी हो चुकी थी। उसकी कोमल बच्ची अब राख की ढेर बन चुकी थी। वह रो रो कर बेहाल हो गया था और पछताने लगा कि वह अपनी बच्ची को अंतिम समय में भी गोद में न ले सका था और अपनी बेटी की अंतिम इच्छा एक फूल की चाह को भी पूरी नहीं कर सका था। कवि के शब्दों में, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। यह कविता यही समाप्त हो जाती है। आइए अब मैं आपके समक्ष आधुनिक काल के महान कवि व कहानीकार श्री सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह कविता का मूल भाव प्रस्तुत करने के बाद इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है या इस कविता का क्या उद्देश्य है, इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। एक फूल की चाह कविता का उद्देश्य या संदेश। एक फूल की चाह सियाराम शरणगुप्त द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता इनकी एक मर्मस्पर्शी तथा दिल को छू लेने वाली कविता है। दरअसल यह कविता छुआछूत की समस्या पर आधारित एक कारुणिक कविता है। यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है। यह कविता पढ़कर हमें यही संदेश मिलता है कि छुआछूत की समस्या पूरी मानवता पर एक कलंक है। हमें सभी प्राणियों को एक समान समझना चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ और किसी को नीच समझना
एक प्रकार से निंदनीय अपराध है। किसी की हीन जाति देखकर उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना तथा मारपीट करना भी एक तरह का अपराध है, सरासर गलत है, सरासर अन्याय है। हमें ऐसा अमानवीय व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में मानव मात्र में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे न केवल मनुष्य का अपमान होता है बल्कि पूरी मानवता का अपमान होता है। अछूतों पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार को उचित नहीं कहा जा सकता है। यह एक घिनौना कार्य है, इसे रोका जाना चाहिए। अतः हम देखते हैं कि एक फूल की चाह कविता में कवि ने समाज में अछूत माने जाने वाले एक व्यक्ति की व्यथा का चित्र प्रस्तुत कर पाठकों के समक्ष ऊंच नीच, छुआछूत, अस्पृश्यता जैसी बुराइयों को समूल नष्ट करने की प्रेरणा दी है। साथ ही यह कहा है कि छुआछूत की प्रथा मानवता के प्रति अपराध है, इसे दूर करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अतः यह एक उद्देश्य प्रधान कविता है जिसमें कवि को पूरी पूरी सफलता मिली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने सगे संबंधियों को भी शेयर अवश्य करें, और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही बनाया है, अतः लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही उपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।